हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवर चैप्टर इज माय फैमिली। वी आर डिस्कसिंग अबाउट माय फैमिली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, माय फैमिली अपना जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अपन सिंगल पेरेंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पीपल इन द फैमिली, लोगों को अपनी फैमिली में कैसे रहना चाहिए, उन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ टुडे वी टॉक अबाउट रिलेटिव्स। अपने जो रिलेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देर आर द पीपल वी हैव नोन ऑल आवर लाइव्स। ठीक है, ऐसे लोग जिनको अपन हमेशा से उनको जानते हैं, ठीक है, पहले से जानते हैं, सिंस वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, और अपन उनको तब से, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, दे आर कॉल्ड आवर रिलेटिव्स, और इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, रिलेटिव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैनी पीपल, ठीक है, ये लोग बहुत सारे होते हैं जिनको अपन पहले से जानते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से ये इन मेंबर्स को अपन क्या कहेंगे, रिलेटिव्स। ऑल आवर रिलेटिव्स मे और मे नॉट लाइव इन द सेम सिटी। और ये जो रिलेटिव्स अपने होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक ही सिटी में, ठीक है, सेम सिटी में भी रह सकते हैं और ये अदर सिटीज में भी रह सकते हैं। डन, मतलब ये भी इनका, मतलब ये भी कंपलसरी नहीं कि ये एक ही सिटी में रहें और ना ही ये कंपलसरी कि ये अदर कंट्रीज में, अदर सिटीज में रहें। ठीक है, रिलेटिव्स जो होते हैं वो कुछ रिलेटिव्स अपने ऐसे होते हैं जो सेम सिटीज में रहते हैं, मतलब जहाँ अपन रहते हैं उसी सिटीज में भी अपने रिलेटिव्स रह सकते हैं और इसके अलावा वो अदर सिटीज़ में भी रह सकते हैं, स्टेट और कंट्री, या फिर स्टेट अदर स्टेट में भी रह सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में भी रह सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, द रिलेटिव्स फ्रॉम आर फादर्स साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक है, ऐसे रिलेटिव्स जो क्या हैं, अपने फादर की साइड के, मतलब अपने फादर की जो फैमिली है, जैसे अपने ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर किसके फादर होते हैं, अपने फादर के फादर होते हैं। ठीक है, जैसे अपनी ग्रैंड मदर हैं, ओके, अपनी आंटी हैं, अंकल हैं, बुआ जी हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अपने पैटर्नल रिलेटिव्स हैं। जहाँ आप रहते हो, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में आप रहते हो, उनसे रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं वो सारे रिलेटिव्स क्या होते हैं, अपने पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। द रिलेटिव्स फ्रॉम आर मदर्स साइड रिलेटिव्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। ठीक है, और जो रिलेटिव्स मदर की साइड के रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, मदर की फैमिली से, जैसे अपने क्या होते हैं, नाना जी, नानी जी, मौसी, मामा जी, ओके, तो ये सारे लोग क्या होते हैं, आपके मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मदर साइड रिलेटिव्स होते हैं। डन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैमिली कस्टम्स। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो फैमिली कस्टम्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अपन फैमिली से क्या चीज़ें सीख सकते हैं, अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, जो मॉरल वैल्यूज होती है वो अपन अपनी फैमिली में ही तो सीखते हैं। द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और यूजुअली वे ऑफ डूइंग सम थिंग्स फॉलोड बाय ए फैमिली आर कॉल्ड फैमिली कस्टम्स। ठीक है, जो अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना ट्रेडिशनल होता है, जो अपनी संस्कृति होती है, अपन एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, अपने जो एल्डर्स होते हैं उनको अपन रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, और ये अपन क्या करते हैं, अपने जो एल्डर्स होते हैं उनसे अपन सीखते हैं। ठीक है, उनको फॉलो करके अपन सीखते हैं। तो ये जो यूजुअली ये जो भी अपन करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, फैमिली कस्टम्स हैं। मोस्ट फैमिलीज फॉलो ए सेट ऑफ कस्टम्स। कुछ फैमिलीज होती हैं उनमें एक सेट फिक्स होता है कस्टम्स का एंड ट्रेडिशन का। ठीक है, उनमें सब कुछ फिक्स होता है कि नहीं आपको ये करना है, आपको वो करना है। ठीक है, दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, और ये जो इनका ये जो सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन होता है, ये क्या होता है, ये वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या होता है, पास होता रहता है। ठीक है, जैसे अपने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने वो चीज़ें अपने पेरेंट्स को सिखाई, पेरेंट्स अपने को सिखाएंगे, फिर अपन ने अपने चिल्ड्रंस को सिखाया। ठीक है, तो इस तरह से ये वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं।
डन. सम कॉमन कस्टम्स आर, और कुछ कॉमन कस्टम्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके तो सबसे पहले अपन करेंगे विशिंग द एल्डर्स. ठीक है, जब भी आप मॉर्निंग में जब बेड से उठते हो, ओके, या फिर जब आप सोने जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, आपको उठते ही आपको गुड मॉर्निंग विश करना है उनको, और जब आप सोने जाते हो तो आपको उनको गुड नाइट विश करना है. ओके तो ये क्या हो गया, या फिर जब भी आपके जो भी रिलेटिव्स आपके घर पे आते हैं, तो आपको उनको जब भी आप उनसे मिलो तो आप उनको विश करोगे. ठीक है, कुछ भी आप उनको बोलोगे, उनकी उनको रिस्पेक्ट दोगे. डन. नेक्स्ट, ईटिंग डिनर टुगेदर. ठीक है, और एक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टम है अपनी फैमिली का. ठीक है, अपने को क्या करना है, इसमें जो डिनर है वो अपने को अपनी फैमिली के साथ ही करना है. सेलिब्रेटिंग स्पेशल डेज, और जो स्पेशल डेज होते हैं उनको सेलिब्रेट करना है. एंड फेस्टिवल्स टुगेदर, एक साथ मिलके अपनी फैमिली के साथ में मिलके अपने को क्या करना है, फेस्टिवल्स और जो स्पेशल डेज होते हैं उनको अपने को क्या करना है, सेलिब्रेट अपनी फैमिली के साथ में मिलके करना है. ओके, फैमिली टीचेस अस मैनी थिंग्स. जो फैमिली है वो अपने को बहुत सारी चीजें सिखाती है. व्हेन वी लिव इन ए फैमिली, जब भी अपन अपनी फैमिली में रहते हैं, वी लर्न टू केयर. तो हम क्या करते हैं, केयर करना सीखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. शेयर, हेल्प ईच अदर, और अपन क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. बी ट्रूथफुल. ठीक है, ट्रूथफुल अपन क्या करते हैं, अपने बिहाफ ऑफ और हार्ट वी हेल्प ऑफ ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं. आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारी जो फैमिली है वो हमारी फर्स्ट स्कूल होती है. आवर फैमिली ऑल्सो टीचेस अस गुड वैल्यूज लाइक, और हमारी जो फैमिली होती है वो हमें गुड वैल्यूज सिखाती है, जैसे बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स. ठीक है, जो आपके जो एल्डर्स होते हैं उनके साथ में आपको रिस्पेक्टफुली रहना है. बीइंग पोलाइट एंड वेल मैनर्ड. ठीक है, और उनके साथ में आपको हमेशा पोलाइट बिहेव करना है और अच्छे से मैनर्ड में रहना है. ठीक है, अच्छे से सिंसियर, अच्छे बच्चे बन के रहना है. ठीक है, सिंसियरली उनके साथ में आपको रहना है. तो ये क्या हो गया, वेल मैनर्ड हो गया. हेल्पिंग अदर मेंबर ऑफ फैमिली, और आपकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं, जैसे आपकी बुआ जी, फूफा जी, आंटी, अंकल, ताऊ जी, ताई जी, तो उनकी भी आपको हेल्प करनी है. ओके, जैसे स्पेशली आपको हेल्प करनी है आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स. ठीक है, और इसके अलावा आपकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी भी आपको केयर करनी है. ठीक है, उनकी भी केयर करने की नीड है. टू हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल, जो भी नीडी पीपल हैं और पुअर पीपल हैं उनकी आपको हमेशा हेल्प करनी है. डन. ये अदर कस्टम्स ऑफ फैमिली हैं जो आपको हमेशा लर्न रखना है. नेक्स्ट है टू शेयर और थिंग्स विद अदर्स. ठीक है, और आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करोगे, आप दूसरों के साथ में शेयर करोगे. आपकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ आप शेयर करोगे. फैमिली गेट टुगेदर इज ए वंडरफुल टाइम टू लर्न अबाउट कस्टम्स. और जो फैमिली है, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक दूसरे के साथ में मिलके और वंडरफुल टाइम टू लर्न अबाउट कस्टम्स. ठीक है, और जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन अपन अपनी फैमिली में मिलके सीखते हैं, फॉलोड बाय वंस फैमिली. ठीक है, एक फैमिली को जब आप फॉलो करते हो, जब आप उसके कस्टम्स और ट्रेडिशंस आप सीखते हो, तो वो क्या होता है, एक वंडरफुल टाइम होता है आपके लिए. ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली. ओके, बाय बाय, सी यू.